मुझे कर्तव्यों की कर्तव्य समझ में आते, अधिकारों से ज्यादा मुझे कर्तव्य समझ में आते, क्योंकि जब हमने विद्यालय में जैसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जैसे ही हमने कदम रखा था तो अपने आप को ये माना था कि मैं एक अध्यापक हूँ। जैसे ही मैंने ये प्रशिक्षण का जैसे ही ट्रेनिंग जब वर्ड आया हमारे दिमाग में तो हमें ये लगा कि हम एक अध्यापक हो गए। अब ना तो हमें ये भी समझ में नहीं आता हम किधर जाए, है ना, अधिकारों की बात दूर है। जो गरीब परिवार है उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए कोई स्कूल कैसे वो पढ़ाई होगी, जब हम नहीं होंगे, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा कैसे पढ़ाई होगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई जुड़ना नहीं चाहता तो जागरूक है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों नहीं जुड़ना चाहता इसके पीछे का ये है कि उसे ये लगता नहीं है कि दबाव हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। उसे अपने अपने अकेले की ताकत नहीं समझ में आती है। एक एक से जुड़ के कड़ी बनती है। सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में सीआरटी लखनऊ पहुंची है। ये आपके अपने हक की लड़ाई है, आपके अपने भविष्य के लिए लड़ाई है। सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में सीआरटी लखनऊ पहुंची है, जिससे कि जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके, अन्यथा ऐसे 3 साल तक बेरोजगार रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। किसी एक को, ऐसे इंसान को जो एक दिन के लिए नेता हो, नेता तो हमें ऐसे कोई भी भीड़ ऐसे चल नहीं पाती जब तक उसका कोई सर आगे चलने वाला ना हो। नेता तो कोई होगा जरूर, चाहे वो कोई खाली एक दिन के लिए हो, अगले दिन के लिए दूसरा हो, तीसरे दिन के लिए दूसरा हो। हम सब अध्यापक हैं, जानते हैं कि एक अगर हम सारे अपने कानूनन तरीके से अनुशासन में रहकर बात अपनी पूरी करेंगे, अपनी बातें मनवाएंगे, तो समझ में आएगा कि हाँ हम लोगों में कुछ सब नाम देने है, कुछ एकता है। और इंडिविजुअल अपनी शक्ति समझिए, अपनी शक्ति समझ के यहाँ आइए। और जितने लोग आए हैं बहुत ही मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनमें से मैं भी हूँ, अपना भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आया हूँ। पढ़ाई करने से क्या है, हम लोग इतना पढ़ गए हैं कि अपने अधिकारों को मांगने के लिए यहाँ आ गए हैं, इससे बड़ी पढ़ाई क्या हो सकती है। सभी लोगों को भर्ती चाहते हैं तो जल्द से जल्द लखनऊ की सड़कों पर उतरिए, अन्यथा 15 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में एससीईआरटी लखनऊ पहुंचिए, घर से निकलिए। हम सिर्फ अध्यापक इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि हमको सैलरी मिलेगी, हम सिर्फ इसलिए जितना अधिक संख्या बल होगा उतनी जल्दी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इस देश की नींव को बनाने वाला मिस्त्री है और उस नींव में सबसे पहले प्राथमिक स्कूल है। उस जो नींव है, जो बिल्डिंग है देश की, उसमें सबसे नीचे की जो नींव है वो प्राथमिक विद्यालय है। बुनियादी ढांचा है जो देश का बुनियादी ढांचा, जहां से बीज अगर हमें इस शिक्षा विभाग को अगर एक खेती समझ लीजिए तो हमें प्राथमिक विद्यालय एक बीज लगता है, बीज जो जमाने के लिए, जैसे कि खेत में अगर बीज पड़ा है तो उसको उसका कृषक अगर है, उसका अगर संरक्षक है तो उसमें जुताई बुड़ाई करता है, ऐसे ही अध्यापक है। बच्चे तो आएंगे, एडमिशन होगा, लेकिन वो क्या पौधा बन पाएगा, उसमें कर्षण क्रिया करने के लिए अध्यापक की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अध्यापक की जरूरत है। ये शिक्षा विभाग इतना आगे जाना चाहिए, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए हमारे देश में। सिर्फ और सिर्फ और हम सबको पता है कि 22,000 सीटें किसी और में जोड़ी जा रही हैं, जुड़नी कहीं और चाहिए। आप आए हैं, आपको लगता है हमारा दबाव है, आप में मास है। सिंपल सी बात है, फिजिक्स का रूल है कि आप में इनर्शिया है, आपके अंदर द्रव्यमान है तो आपके पास इनर्शिया है,
जहाँ रह जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, जिधर रुक जाएंगे वहाँ बगैर किसी और के, अपने अपने फोर्स से ही अब मैदान को छोड़ के जाएंगे। कोई आपको छोड़ के भगा नहीं सकता। आप अगर शांति तरीके से अपनी बात रखेंगे तो आपको कोई नहीं भगाएगा। सिंपल सी बात, आप यहाँ आइए, बैठिए, अपनी बात कहिए और सरकार के सामने ये बात जानी चाहिए कि आप हैं, आप कहीं चले नहीं गए, आप कोचिंग में व्यस्त नहीं हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। सरकार के समझ में ये आना चाहिए कि आप बन गए हैं अध्यापक, बस आपके लिए एक जो है शिक्षा की एक बड़ी पोस्ट निकालनी है, वैकेंसी निकालनी है आपके लिए। इतना सभी लोग, हम जानते हैं कि सभी लोग लगभग 30 के पास पहुंचने वाले हैं, 25 से प्लस हो रहे हैं। मैच्योरिटी का एक लेवल होता है, अब क्या मैच्योरिटी आएगी? मैच्योरिटी का लेवल बहुत पहले खत्म हो गया और जितने यहाँ आए हैं सब मैच्योर हैं, इतने मैच्योर हैं कि अब देश की नींव को संभालने वाले हैं, यानी प्राथमिक शिक्षक को, भर्ती को संभालने वाले हैं। हमें भर्ती लेना है और हमें दबाव बनाना है सरकार पे, और कोई बात नहीं है। सरकार के कानों में बात जाए कि हम बहुत ऐसे हैं सचिन जिनमें प्रतिभा भी है, जिसमें देश को चलाए, देश को संभालने की भी शक्ति है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम राजनीति में जा करके देश को संभालेंगे, हम नींव संभालेंगे, नींव विद्यालय, विद्यालय में हम जा कर पिछली बार भी हम लोग जून में, जैसा रजत भाई वगैरह सब लोग थे, हम लोग पिछली बार जून में भी यहाँ बहुत दिनों तक धरना दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कुछ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी संख्या ही नहीं है, और अगर अब वैकेंसी नहीं आई तो कभी भी वैकेंसी नहीं आएगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और सरकार की पूरी प्लानिंग है कि अगर जो है फिर से उनकी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट फिर से बनी तो दोबारा प्राइमरी को ये लोग संविदा पे रखेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग आए दिन यहाँ लखनऊ में मार्च निकालते हैं, कभी रोजगार मार्च निकालते हैं, कभी आज शिक्षक वैकेंसी के मांग के लिए आए हैं, और हम लोग 2017 से हम लोगों का DLED कम्प्लीट है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर ज़्यादा जब तक देखिए, अगर चुनाव से पहले कुछ हो गया, और लगभग 20-25 दिन बाद आचार संहिता लगनी है सबको पता है, और अगर चुनाव के आचार संहिता लग गई तो कोई नई वैकेंसी आनी नहीं है। तो अगर आप लोग अब नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। और सबको अब बताइए, टेट में 21 लाख फॉर्म लगभग पड़े थे, 21 लाख लोग शिक्षक, अरे कोई नहीं कोई नहीं, अरे बोल लीजिए बैठ जाए, हम सब डीएलएड प्रशिक्षु
इशू है और यहाँ पर अनवरत धरने का आह्वान किया हुआ है। 50 सीटें लगने के लिए 12,000 से 50,000 सीटें लगने वाली है। आज 3 साल से हम सब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करके ज्ञापन दिलवा करके धरना को स्थगित किया जाता है। हम सब आज 40,000 रुपए की सरकार हमसे DD लेती है और लेकिन रोजगार के नाम पर कहती है कि वेतन देना पड़ता है। मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, जब वेतन देना पड़ता है तो आपने डीलेट BTC सीटेट का खेल बंद क्यों नहीं करते हैं? अगर प्रदेश सरकार को रोजगार नहीं देना है तो ये टेट सीटेट का खेल बंद करे, ये डीएलएड बीटीसी का कोर्स बंद करे। अगर नहीं देना है तो अब भी बताएं, हम सब डीएलएड बीटीसी ना करते, किसी अन्य विभाग में जाते। इसीलिए अनवरत धरने का आह्वान किया है। जब तक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अनवरत धरने पे नहीं आते हैं या DG महोदय अनंत सिंह नहीं लिख के देते हैं व्यक्ति के विज्ञापन में जाते तो पहले जारी करेंगे, तब तक हम सब नहीं उठेंगे, चाहे लाठियों से पीटा जाए चाहे जैसे हो, क्योंकि हम सब मानसिक तनाव से एकदम गुजर रहे हैं। अभी तक ये था कि 1 दिवसीय 2 दिवसीय 3 दिवसीय हम सब इलाहाबाद लखनऊ में दर्शन कर धरना देते थे। बहुत बार लाठियां चली जाए विधानसभा, बहुत बार लाठियां हम लोग खाए हैं विधानसभा के सामने, भाजपा कार्यालय, हर जगह लाठियां खाए हैं, लेकिन अब की बार हम लोग, हम बस्ती से आए हैं, पूरा मन बना के आए हैं। नाम बताइए सर। अश्विनी सिंह नाम है मेरा, बस्ती जिला के रहने वाले हैं हम। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अलग अलग पूरे प्रदेश से आए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, उधर गोरखपुर से, हर जिले से बच्चे आए हैं और हर बार आते हैं। और की बार हम लोग अनवरत धरने का मूड बना के आए हैं कि जब तक हम लोगों को लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता लखनऊ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितना दिन लग जाए, चाहे जितना लाठी खाएंगे, जेल में जाएंगे, जेल में घर से परमिशन मिल गया है जेल में जाने के लिए भी, इसलिए किसी बिना डर के हम लोग धरने बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो जाएगा। हम लोग को अवसर मिले, हम लोग देखें अपनी योग्यता देखें। बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, अगर रोजगार दिया होता ना तो लोग इतनी संख्या में यहाँ बैठने नहीं आते, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। रोजगार उनका सिर्फ कहना है कि हमने रोजगार दिया, 20 लाख के ये तो आपको भी पता है कि रोजगार जो है सरकार ने सिर्फ कागजों में दिया है या हकीकत जमीनी स्तर पर रोजगार दिया है, सब कोई देश का पूरे प्रदेश की बच्चा बच्चा जानता है कि सरकार ने क्या किया है क्या नहीं किया है। आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि लगभग 3 साल हो चुका है हम लोगों को प्रशिक्षण पूरे किए हुए, और सरकार ने ये वादा किया था कि हर टेट के बाद में और हर प्रशिक्षण के बाद में एक हम भर्ती निकालेंगे। सरकार ने एक हलफनामा भी दायर किया था कि अभी प्राथमिक में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था उसके बाद में 68,000 और 70,000 दो भर्तियाँ आई बड़ी बड़ी, उसके बाद में सरकार ने ये कहा था कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा था कि हम 51,112 पद अभी हमारे रिक्त हैं और उसमें जो बचे हुए हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको हम मौका देंगे, लेकिन सरकार अपने वादों से मुकरी है। आप भी जानते हैं शिक्षा मित्र जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो हर दिन एक आए दिन एक आड़ा बयान देते हैं, बोलते हैं कि भर्ती देना बच्चों का खेल नहीं है, हमें वेतन देना पड़ता है। अरे अगर आपको वेतन देना पड़ता है तो आप ये बताइए कि आप अपने घर से वेतन देते हैं? आप अगर अपने घर से वेतन देते हैं और अगर आप बच्चों का खेल नहीं तो आप टेट सीटेट पा ये और ये सब BTC DL BEd बंद कर दीजिए, क्यों करवा रहे हैं बेवजह? इसका क्या मतलब है, क्या औचित्य है? हम लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, हम लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाके अपना काम करेंगे, हम क्यों टेट करें, क्यों टेट पास करें? हर बार 700 रुपये का फॉर्म भरें, सीटेट दें, टेट दें और तमाम तरीके के और आप नौटंकी करते हैं। देखिए, हम प्रदेश सरकार से ये एक निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। लगभग 21 लाख टेट सीटेट पास प्रशिक्षु प्रदेश में वर्तमान में हैं, आगे आने वाले समय में आप इसकी संख्या और बढ़ेगी और इससे सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि 21 लाख संख्या छोटी नहीं होती है। हम 21 लाख नहीं हैं, हमारा परिवार भी उनके साथ है, हमारा परिवार भी हमारे साथ है। 21 लाख का मतलब हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन बंधु सब लोग हैं, अकेले हम ही नहीं हैं। आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत दयाल है, मैं चंदौली जिले से आया हूँ, 250 किलोमीटर दूर से आया हूँ और हमेशा जब भी धरना होता है तब मैं आता हूँ यहाँ पे। और तो यहाँ पे बस केवल जो है कि हम लोग को दिलासा दिया जाता है कि आप लोग चले जाइए। कोई आता है आप लोगों से बात करने? कोई यहाँ नहीं आता है, हम लोग पहले आए थे जो कि ज्ञापन में मतलब दिलासा दिया गया था, इको गार्डियन हम लोग को छोड़ दिया गया था, वहाँ से सब शाम को फिर छोड़ दिया गया,
लोग घर चले गए थे क्योंकि इतना दूर से आते हैं, दो तीन दिन यहाँ रुकते हैं, उसके बाद पैसा लगता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग तीन साल से मानसिक तनाव से पीड़ित हुए हैं, जो है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें या क्या नहीं करें। जो है हम लोग 2.5 लाख रुपये PTC लगा कर किए हैं, लेकिन जो है कि सरकार जब भी आती है तब हम लोगों के बारे में कुछ बोलती ही नहीं है कि क्या करेंगे। मतलब ये भी बता दें कि हम भर्ती नहीं देंगे तो हम लोग अपना दूसरा कोई क्राइटेरिया देख लेते हैं, वहाँ जाकर हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग इसी मतलब एक खेला खेलती है कि मतलब फंसे रहे इसी में, मतलब लास्ट तक फंसाई हुई है। अभी जो है कि चुनाव सर पे आ गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है, अब हम लोग आखिरी लास्ट चांस है, चांस देना चाहिए फिर से बीजेपी को, चांस देना। बीजेपी को हम लोग वोट नहीं देंगे इस बार, अखिलेश यादव को लाएंगे।